ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनको क्वेश्चन नंबर फाइव का फर्स्ट पार्ट या क्वेश्चन नंबर फाइव समझ नहीं आया, तो आज मैं बताऊंगा कि आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको करना है, मतलब आपको करना क्या होगा, ये आपको जो लास्ट डिजिट है, ठीक है, आपको जो लास्ट डिजिट है इसके मल्टी मतलब इसके जो फैक्टर्स हैं वो निकालने होंगे टू नंबर के। अब टू नंबर के फैक्टर्स क्या हैं, सबसे पहले तो फैक्टर्स लिख लेते हैं। फैक्टर्स ऑफ टू, तो एक टू इसका वन है, माइनस वन है, टू है और माइनस टू है। देखिए अगर हम वन को टू से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी टू आएगा, माइनस वन को माइनस टू से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी टू आएगा, टू को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी टू आएगा, माइनस टू को माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी टू आएगा, और इससे ज़्यादा हमारे टू के फैक्टर्स नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, जो ये वाला है हमारा, जो हमारा पॉलीनोमियल है, इसमें हम एक्स की जगह हम इनमें इन चारों को बिठा के देखेंगे, और इनमें से जो इसके पूरे पॉलीनोमियल की वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी निकाल के ले आएगा, वो हम सबसे पहले उसे देखेंगे। तो यहाँ पे ज़्यादातर टू यूज़ हो रहा है, तो मैं काम करता हूँ सबसे पहले माइनस टू को लेता हूँ। तो जब पी ऑफ एक्स माइनस टू होगा तब देखते हैं क्या आएगा। तो सबसे पहले लेते हैं एक्स थ्री माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू। उसके बाद अभी हम यहाँ पे माइनस टू का क्यूब माइनस टू इंटू माइनस टू का स्क्वायर माइनस टू एन प्लस टू, देखिए ये तो कैंसिल हो जाएंगे। माइनस टू का क्यूब कितना होगा, माइनस एट, क्योंकि क्यूब है तो ये माइनस ही रहेगा, और टू को तीन बार मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एट आएगा, माइनस एट। यहाँ पे माइनस टू का स्क्वायर कितना होगा, फोर, और फोर इंटू माइनस टू होगा माइनस एट, ठीक है। तो ये तो हमारा बन नहीं रहा है, तो इसे हम नहीं लेंगे, देखिए ये नहीं है तो ये हम नहीं ले सकते। चलिए अभी आगे सॉल्व करते हैं। अब हम माइनस वन लेके देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर पॉजिटिव नंबर्स हैं लास्ट में जैसे हैं, तो हम माइनस लेके देखते हैं, या फिर एक काम करते हैं टू ही ले लेते हैं, ठीक है। तो हमने टू ले लिया है, अभी एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू। तो अभी हमने एक्स की वैल्यू टू एज्यूम कर ली है, और यहाँ पे अब हम सब जगह x की वैल्यू टू बिठा देंगे, सॉरी हाँ ठीक है। तो ये वापस से कैंसिल हो जाएगा, टू का क्यूब कितना होगा, वही एट, और टू को फोर, टू का स्क्वायर फोर, और टू को फोर से मल्टीप्लाई करेंगे एट, जी हाँ, ये हमारा आंसर ज़ीरो आ रहा है, मतलब जो p ऑफ टू है इसको हम ले सकते हैं। अभी अब हम इसका क्या करेंगे, देखिए मान लीजिए अगर आपको, आपने बुक में देखा होगा कि आपको क्वेश्चन आते हैं कि आपको ये जी ऑफ एक्स जो होता है दिया होता है एक्स प्लस टू, ठीक है, जैसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे कोई भी एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस वन ऐसे दिया होता है, और आपको जो पी ऑफ एक्स होता है उसका रिमाइंडर निकालना होता है। जैसे मान लीजिए सेम ही ले लेते हैं स्टेटमेंट, जैसे प्लस टू इसका आपको निकालना है, तो आप इसका ज़ीरो कैसे निकालते हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, एक्स प्लस टू को ज़ीरो के बराबर बिठाएंगे, उसके बाद एक्स उधर जाके टू पॉजिटिव का टू माइनस टू हो जाएगा, तो आपका ऐसे माइनस टू आता है। लेकिन अगर हम तो ये जो होता है, मतलब इसका फैक्टर, अगर ये इस वाला पॉलीनोमियल का फैक्टर है, फैक्टर का देखिए मतलब होता है जैसे 12 इंटू थ्री इजिकल टू 36। अभी देखिए 36 का फैक्टर है, क्योंकि अगर हम फैक्टर कैसे हैं, मतलब अगर हम 3 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 आ रहा है, तो 3 तो फैक्टर हुआ, 12 भी फैक्टर है क्योंकि 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 आ रहा है ना। तो इसमें क्या है, अगर ये फैक्टर है और अगर ये माइनस टू है और इस पॉलीनोमियल में ज़ीरो आ जाता है इसका वैल्यू बिठा के, तो मतलब रिमाइंडर ज़ीरो है, और जो एक्स प्लस टू है वो इसका फैक्टर है ना, तो ये बिल्कुल वही सेम है। तो ये एक टाइप से हमारा जो ये हमने निकाला है ये टू, ये हमारा ज़ीरो ऑफ पॉलीनोमियल है, यानी ये डिजिट। तो इसको अगर हम ऐसा करें एक्स इजिकल टू टू बिठा दें, तो नीचे क्या होगा, इधर एक्स प्लस टू, इधर एक्स माइनस टू आ जाएगा, सॉरी मेरे से मिस्टेक होगी, और इधर ज़ीरो रह जाएगा। तो मतलब एक्स माइनस टू इसका फैक्टर है,
तो एक तो फैक्टर हमारा ये हो गया, यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर आर वन फैक्टर इज एक्स माइनस टू, ठीक है। एक तो फैक्टर हमारा ये हो गया। तो जैसे अभी अगर आपको समझ आ गया तो मैं एक बार और बता देता हूँ। जैसे ये फैक्टर्स हैं, 12, 36 का फैक्टर्स है, आपने सम किया होगा ना, जैसे 36 के फैक्टर्स निकालिए तो आप ऐसे करके फैक्टर्स निकालते हैं 12, 3 और फिर 3 एंड 1, है ना, ऐसे आप फैक्टर्स निकालते हैं। ये सेम वही चीज़ है कि अब देखिए 12 फैक्टर है, उसी हिसाब से जो जी ऑफ एक्स है वो पी ऑफ एक्स का फैक्टर है, और जो ये नंबर है मतलब जो इससे आया है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, तो ये जीरो पॉलिनोमियल है। तो अगर हम उस प्रोसेस को रिवर्स कर दें जीरो पॉलिनोमियल निकालने का, तो उससे हमारा जो फैक्टर है एक्स माइनस टू आ जाएगा। तो एक अब आपको समझ आ गया होगा कि एक फैक्टर तो हमारा एक्स माइनस टू है, ठीक है। तो उसके बाद अब हम करेंगे क्या, ये जो पूरा पॉलिनोमियल है इसको एक्स माइनस टू से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अब आप ऐसे करेंगे एक्स माइनस टू डिवाइड में यहाँ पे आप भरेंगे एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू। तो इसमें आपको करना क्या है, यहाँ पे अब आपको डिवाइड ही करना है जैसे नॉर्मल डिवाइड। अभी देखिए अब हमें कोई ऐसा नंबर ढूंढना है जो जिसको डिवाइड करके ये पूरा मतलब हमें यहाँ पे ऐसा नंबर ढूंढना है जिससे एक्स क्यूब आ जाए। तो आपको सबसे पहले फर्स्ट ही नंबर देखना है इसका फर्स्ट। तो अगर हम एक्स क्यूब को एक्स से डिवाइड करें तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर। तो ठीक है, जो ये वाला पूरा पॉलिनोमियल है एक्स माइनस टू को, इसको आपको पूरा एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देना है। एक्स माइनस टू मतलब नॉर्मल डिवाइड करना है जैसे होता है, तो एक्स माइनस एक्स क्यूब माइनस टू एक्स क्यूब आ जाएगा ऐसे। तो एक्स स्क्वायर ऐसे लिखना है यहाँ पे, ठीक है, एक्स क्यूब माइनस टू एक्स क्यूब सॉरी स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे, साइंस चेंज रहेंगे, ये कैंसल और ये भी कैंसल, ठीक है। अभी यहाँ पे आ जाएगा हमारा बचेगा माइनस एक्स प्लस टू, ठीक है ना। तो इसके लिए अब आपको करना क्या होगा, उसके बाद आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं माइनस वन है, तो एक्स को हम अगर माइनस वन से मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए अगर हम पूरे को माइनस वन से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो माइनस एक्स माइनस टू आ जाएगा, है ना, आपको समझ आ रहा है ना। सॉरी गाइज, यहाँ पे मैंने भूल के प्लस लगा दिया, यहाँ पे एक्चुअली माइनस था। तो देखिए अभी तो ऑपोजिट साइन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस एक्स प्लस टू आ गया। बस आपको ऐसे ही यहाँ पे लिख देना है माइनस वन इजिकल टू माइनस एक्स प्लस टू, वही साइंस ऑपोजिट होएंगे, यहाँ पे कटिंग होगी और यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद आपका यहाँ पे डिवाइड जो है फिनिश हो जाएगा। उसके बाद अब आपको करना क्या है, आपका जो डिवाइड हो कि जो आंसर आया मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वन आया था, उसको अब आपको आगे फैक्टराइज करना है। जैसे देखिए एक्स स्क्वायर को आप एक्स स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं, और वन जो है वो देखिए मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। अभी मैं इसके कोई इक्वेशन थोड़ी ना चेंज हुई, वन का स्क्वायर कर दीजिए वापस वन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर को कर दिए एक्स स्क्वायर माइनस वन आ जाएगा वापस। तो अब यहाँ पे आप देखिए ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये हमारे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से मैच कर रहा है, जिसका आगे होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका आगे ऐसे ही सॉल्व होता है। तो यहाँ पे हम सेम प्रोसीजर करेंगे, यहाँ पे पहले एक्स प्लस वन करेंगे और फिर यहाँ पे एक्स माइनस वन करेंगे, ठीक है, ऐसे कर दिया। अभी जो हमारा आंसर होएगा क्या होएगा, देखिए ठीक है, जो एक फैक्टर है, देखिए जो एक फैक्टर आया था हमारा एक्स माइनस टू आया था, ठीक है। उसके बाद जो बाकी के बचे कुछ दो फैक्टर आए वो क्या आए, एक्स प्लस वन, तो साथ में लिख दीजिए एक्स माइनस टू एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन। अभी अगर आप इन तीनों को वापस मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका जो आंसर आएगा वो और कुछ नहीं, आपका पी ऑफ एक्स आएगा,
ठीक है। इसमें हमने किया क्या, सबसे पहले तो हमने इसका ज़ीरो ज़ीरो निकाला पॉलिनोमियल का, और ज़ीरो कैसे हमने निकाला, फैक्टर्स निकाले टू के, उसके बाद ट्राई किया तो माइनस टू तो नहीं लगा, फिर उसके बाद टू को ट्राई किया लेकिन टू हो गया, तो ये ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल आ गया। अभी ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल हम कैसे निकालते हैं, एक्स माइनस टू अगर हमें इक्वेशन दिया तो ज़ीरो के बराबर बिठा के एक्स इज इक्वल टू टू निकाल देते हैं। हमने वही प्रोसीजर किया, हमारा एक्स माइनस टू आया, हमने उसको रिवर्स कर दिया, एक्स इज इक्वल टू टू लिखा, उसके पीछे हमने इधर एक्स की तरफ टू भेज दिया तो इधर पॉजिटिव का टू इधर आके माइनस का टू हो जाएगा, इधर ज़ीरो आ गया। इसका मतलब एक्स माइनस टू जो है वो इसका फैक्टर है। अभी उसके बाद हमने एक्स माइनस टू से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड किया, इसके बाद ये जो रिमाइंडर सॉरी डिवाइजर आया, ये इसका मतलब कोशेंट है, ठीक है, ये जो कोशेंट है। उसके बाद इस क्वेश्चन को भी मतलब अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा ना, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं क्वेश्चन इनटू, ठीक है, क्वेश्चन इनटू सॉरी क्वेश्चन इनटू डिवाइजर इज इक्वल टू द डिविडेंड, ये आएगा। तो हमने इसको और फैक्टराइज कर दिया क्योंकि ये हो रहा था, यहाँ पे स्क्वायर था और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो हमने अपने आप से स्क्वायर लगाया क्योंकि इससे इक्वेशन को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। उसके बाद जब हमने इसको फैक्टराइज किया तो इसके दो हिस्से हो गए, तो बस अब देखिए x माइनस टू भी फैक्टराइज नहीं हो सकता, x प्लस वन भी नहीं हो सकता और x माइनस वन भी नहीं। तो बस ये हमारा क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और अगर आपको और भी किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप इस वीडियो के कमेंट इसके वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।